जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है हिमाचल में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी गई है, और इलेक्शन की अनाउंसमेंट के साथ ही जो है पूरे प्रदेश में और शिमला जिले में जो है आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो इलेक्शन से रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताना चाहूँगा, और उसके बाद अगर आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर भी हम जरूर देंगे। तो जो शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस है, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है, मैं फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए दोबारा से बताना चाहूँगा कि इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर को जो रिस्पेक्टिव आरओज हैं वो जारी करेंगे। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 25 अक्टूबर होगा, और डेट ऑफ स्क्रूटनी जो है वो 27 अक्टूबर होगी, और डेट ऑफ विड्रॉल की जो लास्ट डेट है विड्रॉ करने की अपने कैंडिडेटचर को वो 29 अक्टूबर होगी। और हमारे ज़िले में जो पोलिंग होगी वो आपका 12 नवंबर को होगी, और 8 दिसंबर को जो है वो काउंटिंग होगी, और 10 दिसंबर तक जो है इलेक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे ज़िले में जो है 244 पोलिंग स्टेशन हैं, और 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये जो है स्प्रेड आउट है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे जो है स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था जो 10 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है, और स्पेशल समरी रिवीजन के बाद हमारे ज़िले में 583,939 वोटर्स हैं, जिसमें कि आपका मेल है 298,171 और फीमेल है 285,778। इसके अलावा जो हमारे सर्विस वोटर्स, वो वोटर्स जो आर्मी में है वो है करीब 2591 है आज की डेट में, और इसके अलावा हमारे दिव्यांगजन के जो वोटर्स हैं वो 7,156 हैं, और 18+ वोटर्स जो हैं वो हमारे 11,116 है। तो टोटल 18,272 हमारे ऐसे वोटर्स हैं जिनको जो दिव्यांगजन हैं या 80+ हैं। इसके अलावा हमारे इलेक्शन कमीशन का फोकस था कि जो 80+ और खासतौर पर जो 100+ है उन लोगों को, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उन लोगों से बात की जाए और उन लोगों को जो है मोटिवेट किया जाए इलेक्शन में क्योंकि वोट डालने के लिए। तो हमारे 100+ जो है वो 21 वोटर्स हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का एक फोकस और था कि जो हमारे नए वोटर्स हैं जो 18-19 की जो आयु भी प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों के एनरोलमेंट पे भी जो है इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उस पर विशेष ध्यान दें। तो उसमें भी जो है करीब 19,741 के आसपास वोटर्स अभी उसमें एनरोल किए गए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 244 पोलिंग स्टेशन हैं, तो अब जो हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 पोलिंग स्टेशन जो है वो जो है ऑल विमेन मैन पोलिंग स्टेशन होंगे। वो इसके अलावा 1 पोलिंग स्टेशन हर विधानसभा क्षेत्र में वो होगा हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा मैन होगा, और 1 पोलिंग स्टेशन जो है हमारा हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल पोलिंग स्टेशन होगा। इसके अलावा जो हमारे एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लोग वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी को मैप करते हैं, तो इसमें मैपिंग के बाद जो है हमारे 26 ऐसे पोलिंग स्टेशन आए हैं जो वल्नरेबल एरियाज में हैं, और 15 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो क्रिटिकल एरियाज में आए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है आपका, हमारा प्रयास रहता है कि वोटिंग परसेंटेज वगैरह बढ़ाई जाए। तो लास्ट 2017 की जो इलेक्शन में हमारे यहाँ पे 73.5% की जो है वोटिंग हुई थी पूरे ज़िले में, जो एवरेज था डिस्ट्रिक्ट का, और हाईएस्ट वोटिंग जो है वो 2017 में जुगल कोटखाई में थी, और लोएस्ट वोटिंग जो है वो शिमला में थी, शिमला अर्बन में। और 2019 का जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन था उसमें भी हाईएस्ट वोटिंग जुगल में थी और लोएस्ट वोटिंग जो है शिमला में ही थी। तो इन जहाँ पे भी वोटिंग कम हुई है, ऐसे हमारे जो 59 पोलिंग स्टेशन हैं उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, एसडीएम जो है, ये लोग मौके पे गए हैं, वहाँ पे लोगों से इन्होंने चर्चा करी है, और वहाँ पे ये जानने का प्रयास किया गया है कि वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुई है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो है हमने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें से एक इनिशिएटिव तो यही है कि पोलिंग स्टेशन को का विजिट किया गया है, वहाँ लोगों से वार्ता वगैरह करी गई है। और इसके अलावा अभी हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में भी जो है हम लोगों ने विजिट किया है, वहाँ पे यंग वोटर्स को खासतौर पर जो है हमने उनसे बात करी है, और यंग वोटर्स के साथ जो है काफ़ी चर्चा भी करी है, और मोटिवेट भी हमने किया है। और पिछले कल भी जो है हमने एक रिज पे एक वोटर फेस्टिवल भी किया था, जिसमें हार्मनी ऑफ द पाइंस ने भी परफॉर्म किया था, और लोगों को जो है मतदान के प्रति जागरूक किया था, और लोगों को मोटिवेट किया था कि वो वोटिंग वाले दिन मतदान जरूर करें।
इसके अलावा वोटिंग के प्रति जागरूकता करने के लिए जो है हमारे 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो है ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए थे। यहाँ पे लोग जो है आके ईवीएम्स पे मॉक पोल वगैरह कर सकते थे, तो और इसमें लोगों ने आके मॉक पोल भी किए हैं। इसके अतिरिक्त हमने जो ईवीएम के जो मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन्स थे वो भी सारे पूरे जिले में डिप्लॉय किए, और हमारे जो 1044 पोलिंग स्टेशन है वो सारे के सारे जो है हमारे मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन्स ने कवर किए हैं, और वहाँ पे लोगों को ईवीएम के प्रति जागरूक किया है और लोगों को जो है वहाँ पे मॉक पोल भी करवाया है वहाँ पे। तो इस विधानसभा चुनाव में जो है हमारा फोकस हमेशा की तरह यही है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो और मतदाता पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली बार से ज्यादा हो। तो इसके लिए हमने जो है सभी हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं, और जैसा कि कल से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसमें सरकारी संपत्तियों पे जो भी होर्डिंग्स वगैरह लगे थे किसी भी तरह के पॉलिटिकल नेचर के या गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स के, तो उनको हटाने का काम जो है वो काफी तेजी से चल रहा है, और आज दोपहर की 3 तक जो है गवर्नमेंट प्रमाइसेस से हम लोग जो है किसी भी इस तरह के जो होर्डिंग्स हैं वो हटा लेंगे। तो लास्ट में मैं बस आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से 2-3 अपील करना चाहूंगा। एक तो अभी भी जो लोग मतदाता के तौर पे एनरोल नहीं हुए, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है अगर आप 18 साल पूरी कर चुके हैं तो आप लोग जरूर एज अ वोटर एनरोल करें अपने आप को, और जिन लोगों ने अपने आप को एनरोल किया है वो लोग जो है वोटिंग वाले दिन जरूर आगे आके वोटिंग करें। इसके अलावा एक अपील और करना चाहूंगा कि किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए और लोग जो है एकदम निष्पक्ष होके वोटिंग करें, वोटिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें, और जो लोकतंत्र को जो कामयाब करने का जो उत्सव हम मनाने जा रहे हैं तो उसमें जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो मैं यही दो अपील के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों के कोई इस पे प्रश्न हो तो वो हम लेने को तैयार हैं। सर, जैसे आपने कहा कि लोकसभा जो विधानसभा इलेक्शन कभी हुए हैं उसमें सबसे लोएस्ट जो वोटिंग परसेंटेज है शिमला के, सर रीजन क्या रहे हैं? देखिए, एक रीजन हम ये मानते हैं कि अर्बन एपैथी एक रीजन मानते हैं हम लोग, कि जो शहरों में जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा ये रहता है कि वोटिंग करने से थोड़ा वो इतना वो नहीं इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। उसके लिए भी हमने इस बार एक वोटर सहायक ऐप हमने बनाया है। वोटर सहायक ऐप के थ्रू आप लोग बेसिकली ये देख सकते हैं कि एक तो आप जहाँ पे भी आप हैं, जहाँ भी आपकी लोकेशन है वहाँ से पोलिंग स्टेशन कितना दूर है ये डिस्टेंस आप उसमें देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि बहुत दूर होगा तो इसलिए जो है लोग वोटिंग करने नहीं जाते। उसका दूसरा फीचर ये है कि उसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि जो रियल टाइम बेसिस पे कि वो जो आपका पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे कितने लोग लाइन में खड़े हैं। तो कई बार ऐसा भी लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा लोग खड़े होंगे और हमारा बहुत टाइम जाएगा। तो ये दो जो मेन इश्यूज जो हमें देखने में आए थे वो दोनों इश्यूज जो है इसके थ्रू एड्रेस हो जाएंगे। हमला शहर में सर वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत ज्यादा रहते हैं तो वो इसमें वोटिंग में जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसके लिए इसकी क्या वजह है सर, और उनके लिए कुछ किया जा रहा है कि वो भी जो है सुनिश्चित करें वोटिंग के लिए, क्योंकि और जगह तो जागरूकता अभियान चला रहे हैं आप लोग लेकिन जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही नहीं कर रहा है वोट तो फिर। देखिए, इसमें हमने जो है जागरूकता अभियान चलाया, उसमें हमने सेक्रेटेरिएट को कवर किया, हमने कसुमटी में जो ऑफिस है उनको कवर किया, हमने माननीय उच्च न्यायालय को कवर किया, हमने जो हमारा AG ऑफिस है अकाउंटेंट जनरल और भी जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर है जैसे लॉन्गवुड में सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी सारे दफ्तर है, तो उन सारी जगहों पर जो है हमने इनके जो HODs है उनसे बात करी, वहाँ कर्मचारियों से भी बात करी और उनको हमने मोटिवेट किया है इस बात जो है वोटिंग करने के लिए। ये जो नॉमिनेशन के 7 तक जो है ये कर सकते हैं, तो ये अभी जो है कर सकते हैं इसको, तो अभी भी लोग अपना वोट बनवा रहे हैं बेसिकली। डोडरा क्वार के लिए जो है हमने हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट दी है, अगर चांचल पे बर्फबारी होती है और अगर डोडरा क्वार बंद तो चांचल बंद हो जाता है तो उस केस में जो है वो हेलीकॉप्टर के लिए हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि वहाँ के लिए हेलीकॉप्टर हमें प्रोवाइड किया जाए। सर, एक बुजुर्ग मतदाताओं का सवाल आता है कि हर बार कहा तो जाता है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, उनको मतदान केंद्र तक पहुँचाया जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मान लो फैमिली मेंबर नहीं पहुंच जाते हैं तो क्या ऐसे अति वृद्ध लोगों को आइडेंटिफाई जिला प्रशासन ने कर लिया है कि कितने हैं जो खुद नहीं पहुंच सकते हैं और उन तक पहुंच कुछ इस तरह? जी, मैंने जैसा कि पहले बताया कि हमारे यहाँ पे 80+ वोटर्स जो है वो 11,116 है पूरे जिले में,
और जो हमारे दिव्यांगजन मतदाता हैं या ओल्ड एज वोटर्स हैं उनके लिए कमीशन ने स्पेशल डायरेक्शन इशू करी है कि उनको जो है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग कर सकते हैं। तो उन्हें फॉर्म 12D जो है वो अभी हमारे BLO घर घर जाके प्रोवाइड कर रहे हैं। उनमें से जो भी लोग ये ऑप्ट करते हैं कि भाई वो कहते हैं कि हम वोटिंग नहीं कर नहीं जा पाएंगे तो वो घर पे ही जो है वोटिंग कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब वो ये अपनी इच्छा जाहिर करेंगे कि हमने घर पे वोटिंग करनी है तो पोलिंग टीम जो है उनके घर पे जाएगी, वीडियोग्राफी होगी और वो अपने घर बैठे बैठे जो है वोटिंग कर सकते हैं।